यहाँ पर सिंगड़ा में बहुत कष्ट है पानी का। सुबह से शाम तक खाली पानी ढोने में दिन जाता है। कहाँ से पानी है? बर्तन कहाँ धोते हैं? धोती है गढ़ा का पानी है, नहाता है गोढ़ा बो के जाता है गढ़ा का पानी में, खराब पानी में नहाता है। क्या करेगा, पानी नहीं मिलता है, क्या करेगा बाबा। ये वाला पानी रोज नहीं खुलता है? रोज खुलता नहीं है, कभी कभी खुलता है, कभी कभी नहीं खुलता है। रेल बचा रहा पानी के लिए, रेल बंद हो जाए तब ना गाछे हरी टांगा जाएगा, पानी नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सरकार की बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समस्त ग्रामीण क्षेत्रों, परिवारों, व्यक्तियों को हैंडपंपों, पाइप इत्यादि के माध्यम से स्वच्छ एवं पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है और इसके लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। परंतु धनबाद जिला बागमारा प्रखंड सिंगड़ा पंचायत के अंतर्गत सिंगड़ा गांव के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। 5000 ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते इन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का चुनाव 2010 के दिसंबर में हुआ। जनवरी से हम लोग काम शुरू किए। उस समय हमारे यहाँ चापाकल ना के बराबर था, लेकिन सूखा उस साल भी पड़ा था, इसलिए उस समय आपदा प्रबंधन और जल समस्या के लिए सरकार पेयजल के तरफ से भी चापाकल मैक्सिमम 50 गो हमारे यहाँ लगा। लेकिन चापाकल का ऐसा ये है कि 200 फीट तक पानी लेवल नीचे चल जाने से चापाकल फेल्योर रहा। चापाकल और कुआं ये सब टेम्पोररी है, इसके पानी का लेवल हमारे यहाँ बगल में कोलियरी है, इसलिए लेवल बहुत नीचे जा चुका है। इसीलिए कुआं तालाब से संभव नहीं है और बारिश का भी उतना बारिश होता नहीं, जो कि पानी का उचित प्रबंधन करके पानी को स्टोर किया जाए। BCCL हमारे बगल में है, उसके 2011 में ही एक लोग हम लोग एक उनको चिट्ठी दिए, उसका कॉपी सांसद और अपना विधायक को भी दिए। उस समय पहल हुआ था कि पीट वाटर से पानी सप्लाई होगा, गांव के तालाब को भरा जाएगा, लेकिन कुछ कारणों से या तो बाकी प्रशासन साथ नहीं दिया, इसीलिए वो काम रुक गया और ये काम पूरा हुआ नहीं। पानी सप्लाई जो रेलवे और PHD के द्वारा जो प्रकलन तैयार किया गया है, उसको जल्द पूरा किया जाए और तब तक के लिए कम से कम रेलवे से विधायक और सांसद अपना बात करें और उनसे कुछ पहल करके और पानी देने के ये किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने जो कोशिश किया कि टंकी बनेगा वो अधर में लटक गया है। ये संभव नहीं है कि हम लोग का तब तक 5 साल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो तो गांव का समस्या ऐसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, पानी का तो कोई समस्या समाधान हुआ नहीं। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई चूँकि मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे भी इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है, इसलिए मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से यह अपील करती हूँ कि आप PhD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनबाद के श्री सुशील कुमार को संपर्क नंबर 9431168151 पर फ़ोन करके अविलंब दबाव बनाएँ ताकि सिंगड़ा बस्ती में डीप बोरिंग या पाइपलाइन किसी भी प्रकार से पानी की समस्या को दूर किया जा सके। मैं भारती, सिंगड़ा, धनबाद, झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।